घनश्याम शुरू माया मारे काम तो शुरू करी थी वो एमएलए बनया वो थाने जिताया था कि पला बिल्कुल हमने मारे काम ने जता था तेरे से ना हम जता नमस्कार मैं अजय बस यह है कि सामने का मिलना के है कि नेताओं की छड़ी लग रही है यानी एक जा है दूसरा आवा है दूसरा जा तीसरा आवा है तीसरा जा चौथा आवा है यानी नेताओं के बस यह है कि ये लोग चेहरे ना भूले क्योंकि अब जो नेता आएंगे वो बड़े बड़े वादे और दावे करने का काम करेंगे और जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ यह बेल्ट एक सबसे बड़ी भुगत भुगत चीज की है पानी के लिए क्योंकि पानी का मुद्दा यहाँ भी उठा और पानी का मुद्दा हरियाणा के लिए संसद में भी उठ चुका और विधानसभा चंडीगढ़ में भी उठ चुका लेकिन ये है कि ना तो पानी आया ना एक मुद्दा आया लेकिन यह है कि सरकार आवे है जावे है 10 साल पहले इन्होंने राज किया था अब 10 साल भाजपा है लेकिन फिर से वही स्थिति है हरियाणा प्रदेश की बात करूं या फिर दक्षिण हरियाणा की बात करूं या फिर इस भिवानी जिले की बात करूं अब ये गांव है जितने भी आसपास के गांव है कोई जोड़ का पानी पीने को मजबूर है कोई टैंकर पानी गिरवाने का पीने को मजबूर है कोई किसी प्रकार से पीने को मजबूर है यानी यह कि इन गाँवों की स्थिति ये है कि आदमी तो बहुत बड़ी डांगर तो बहुत बड़ी बात है आदमी पानी पीने का कौन है। तो नमस्कार नमस्कार कैसे हैं बहुत बढ़िया जिस प्रकार से आज ये लोग आपके आगे बैठे हैं आप लोग इनसे वादा करने का काम करेंगे हम आप बनते ये काम करने का काम करेंगे तो क्या क्या वादे आज इन लोगों का आप आगे करें और क्या क्या समस्या लोग आपको बताने का काम करें। सबसे पहले तो आपने एक बात बोली कि कांग्रेस की सरकार 10 साल रही एक बार सभी से आप पूछो जिस समय कांग्रेस की सरकार 10 साल रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे क्या हमारे गांव को इतनी दयनीय स्थिति के अंदर थी पीने के पानी को लेकर के या खेतों के पानी के लेकर के जो आज जो स्थिति बनी है हमारे हिस्से का पानी हमें ठीक ठाक उस समय मिलता था ठीक है ना। और रही वादों की बात और आप कह रहे हैं कि सामण का महीना है और सारे नेता आ रहे हैं और वादे कर रहे हैं मेरा गाँव है मेरा परिवार है मेरा घर है। आज आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ एक राजनीतिक सभा के अंदर भाषण दे रहा हूँ ये राजनीतिक सभा नहीं ये पारिवारिक सभा ये सारा मेरा परिवार है। मैं हर समय मेरी ख्याल से हफ्ते में एक दिन ही टपता होगा जब मैं उरा नहीं आता हूँ मेरा घर है नांगड़ गांव मेरा घर है और सारे के सारे गांव विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव वार्ड मैं तमाम जगह समय समय पर जाकर के मेरे परिवार के अंदर समय समय के ऊपर सुख में दुख में आने जाने का काम करता हूं। सर ये वोट डालने को तैयार है वोट डालते भी हर 5 साल डालने का काम करते हैं लेकिन जो आज इनके पानी के लिए समस्या बनी हुई है जो कि तो है तो अब आप इनसे क्या वादा करके जाएंगे पानी के लिए क्या क्या वादे आप इनसे करेंगे क्योंकि सरकार आपके बनेंगे तो आप भी वादे करके जाना पड़ेंगे और आएंगे तो और भी वादे करेंगे। पहले हमारी सरकार जब थी ना तो समय पीने का पानी आता था सिंचाई का पानी आता था ये वादा नहीं है ये हकीकत है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी सरकार बनने के बाद हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचेगा हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। बात है हर घर टूटी नल लगवा दी माने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। अच्छा ये झूठ बोलते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं और इनका कुछ नहीं जनता से लेना देना अपनी जेबें भरने काम करते हैं चाहे वो विधायक हो चाहे अन्य नेता क्यों ना। लेकिन आज तो अटल से 2 दिन उछकुल लगी हुई लेकिन आज का जो युवा है वो नेता तो गाँव गाँव में हो रहा है आपको होना चाहिए दिल्ली या चंडीगढ़ भाई किस लिए टिकट के लिए मेरी टिकट देखो ये बैठे सारे मेरी टिकट ये बैठे सारे अच्छा ये सारे मेरी टिकट हैं हैं ये सारे जब हैं तो टिकट भी आ गई नेतागिरी भी आ गई राजनीति ये सब कुछ आ गया ये बैठे सारे इनके बीच में मेरे परिवार के बीच में नहीं हूँगा तो कहूंगा और यही मैं क्या कर रहा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार तो कर रहा हूँ भाई जी जायज बात है। हाँ तो आज इस प्रकार से टिकटार्थियों की कमी है ही कांग्रेस पार्टी के अंदर की तो आपकी क्या तैयारी माने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को टिकटें लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी मजबूत को मेहनती को कर्मठ को और जिसका जमीनी जुड़ाव है उसको सर्वे के आधार पर टिकट देगी जो जीता होगा उसको। ये भारतीय जनता पार्टी वाले चक्कर कटाते हैं ड्राइंग रूम की राजनीति ये करते हैं कांग्रेस वाले नहीं करते। तो भिवानी से अगर नांगड़ की बात करें तो 5 से 7 किलोमीटर होगा तो 7 किलोमीटर में आपको कितना समय आने में यहाँ पे लगा क्योंकि आपने लिखा कि यहाँ पे कोई विकसित काम ऐसा हुआ कि जिसको हम कह सकते हैं ये नांगड़ गांव है और इतना समद्रो विकसित काम हो चुका। 36 बिरादरी के द्वारा गांव के तमाम बुजुर्गों के द्वारा नौजवान साथियों के द्वारा जो भी डिमांड गांव के सार्वजनिक काम की कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर की जाएगी उसको 100% डंके की चोट पर पूरा कराने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। क्या क्या मांग इन लोगों ने रखी आपके सबसे बड़ा मुद्दा
पानी का है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो ये हमारे युवा साथी बेरोजगार जो जो घूम रहे हैं इनका है। दो सबसे बड़ा मुद्दा जो लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की डबल इंजन की सरकार ने किया था कि बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करेंगे, उस लॉलीपॉप को आज ये खत्म कर चुके हैं। और ये कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया 6000 रुपए पेंशन हम करेंगे उसको लेकर के है। तीन गांव की सुरक्षा को लेकर के है, इलाके के अंदर अमन चैन भाईचारा और विश्वास बने रहे उसको लेकर के। यानी जात पात ना उड़ जगे सिर्फ भाईचारा दिखाने का काम। तो लोगों ने फिर आज आपने लोगों से बात सुन ली, आपने इन दिन तक कहा जी सारे काम पूरा करवा दूंगा भाई, जो जायज सार्वजनिक काम है अच्छे काम है जायज काम है। लेकिन ये बात तो कमरे धीरे ना तो थकना रहे ना दुखना रहे तो देहरूड़े पाव धीरे धीरे दिखवा के। मैं हर समय पब्लिक के बीच में रहता हूँ और लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन है। ये लोकतंत्र के अंदर जिस राजनीतिक व्यक्ति के पास 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, नौजवान साथियों का साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, वो राजनीतिक आदमी मेरे को लगता है पैमाने में सफल है। कह सकते हैं आपकी तपस्या आज पार्टी को भी दिखेगी और नेताओं को बड़े नेताओं को दिखेगी और आपके विश्वास जता के कहीं ना कहीं विधानसभा बैठाने का काम करेगी जनता भी। देखिए पार्टी हाईकमान का फैसला है, पार्टी हाईकमान फैसला लेगी और अच्छा फैसला लेगी। भिवानी के नांगल के और सभी गाँव के शहर के हक का फैसला लेगी, जो भिवानी के अंदर विकास करा सके, सबको सम्मान दे सके, ठीक है ना, और उसके हक का फैसला कांग्रेस पार्टी लेगी। लेकिन धुआंधार बैटिंग तो धीरे सिंह करना नहीं, आपको बैटिंग लग रही है तो मेरा प्यार प्रेम है, मेरा परिवार है भाई, परिवार के अंदर नहीं आऊंगा तो फिर क्या करूंगा। दोस्त के मांग नेता सारे आओगे कि मांगो भी नहीं मांगो तो बताओगे नहीं ना। बता दो दी सही रहा हां बता दियो पक्का बताइयो बता दी इसने बोल जाओ बताने में खोटा ही ना पड़ती हो भाई। पानी की समस्या है, खेती के पानी भी नहीं है, एक मारा बेरोजगार इतने बड़ा कांड है, वो छोए मत छोए जाते हैं। हां सारी दिक्कत है। सरकार बदल ली चाहिए है या सरकार बदल ली बदलनी चाहिए कुकर बदले सरकार वोट गिराएंगे वोट गिराएंगे कुकर बदलेगा भाई। घनश्याम अपना बड़ा रीस ना हम बनावांगे बता दी। अच्छा घनश्याम सरू मारेगा हम तो बनया दा रही जो भी मारेगा हम तो बनेगा एक ही है घनश्याम शुरू में आया मारेगा हम तो शुरू करी थी वो एमएलए बने वो थाने जिता था पला बिल्कुल हमने मारेगा हमने जता था धीरे से ना हम जतावाएंगे जब तक वो ई तो जब हारे को जिताए बचा जब बचा है ना सर खगड़ बना दिया नंगल खगड़ बना दिया और तो खगड़ कर ये भी खगड़ चत से मौका मिलना चाहिए सभी को मिलना चाहिए चाहे वो श्याम दास हो चाहे खुलवाओ ना अक्टूबर खुलवा देंगे 1 अक्टूबर इसने 1 नवंबर ने खुलवा देंगे अक्टूबर ने। अच्छा एक तरह का खुलवा देंगे और के बिल्कुल रोड खाली बिल्कुल मेरा पूरा काम बैठे हो देख। अच्छा हां यहां से पूरा काम दिखा दे तो बाबा को राख लोगे ये जी हां तो इसने खाली कर रखे हैं अभी पूरे हरियाणा की भैंसों दौड़ में पानी पीते लेकिन नांगल गांव में स्विमिंग पूल बना रहे हैं। अच्छा। एक भैंसों के लिए। अच्छा। स्विमिंग पूल में पानी पियेंगे क्यों अलग से दिखाई देगा कुछ स्विमिंग पूल बना रहे हैं कुछ इसलिए तो भागो पार्टी के इसको एक में स्विमिंग पूल बना दे भैंसों का और एक महात्म्यों का और टूरिस्ट स्थल भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। छोटी बात करी की बड़ी बात करी दोनों काम हो जाएंगे बता दो ना काम स्विमिंग पूल बनाओगे तो। अच्छा क्यों नहीं इंसानों के लिए कुछ तो आदमी वैसे बदू मर जा बात बता दी तो नमस्ते। अच्छा, कर दूंगा।
नमस्ते नमस्ते। तो क्या क्या डिमांडे रखोगे नेता कहोगे क्या क्या बात नेता के पास बताएंगे? डिमांडे हमारी तो 3-5 बताए जो वो पांच हमारी तो पूरे करने का आश्वासन दिया। डिमांड कराएंगे बढ़िया बात है। इब कोई डिमांड को नहीं तो पहले मिशन बनाओ डिमांड आगे बाद डिमांड बाद में डिमांड कराएंगे। इब शुरू में कोई डिमांड नहीं ठीक है हमारे पास डिमांड क्या था। और ये डिमांड हम करा रहे हैं जब और मिल जाएगी जब डिमांड कराएंगे। अरे हमारे हाथ में जी हमने इन्होंने कहा कि हमने घनश्याम दास राव को पहली बार हमने बनाया था और हमने गम ने जिताया था और अब हम इसको युवा को जिताने का काम करेंगे। सच्चाई है ये सबसे पहला वो उन्होंने 2004 या 2005 में जब चुनाव लड़ा था ना तो नांगल गांव से वो जीत के गए थे कहीं से भी मत। और उन्होंने नांगल गांव के साथ विशेष तौर पर भेदभाव करने का काम किया। एक बार मैं आपको बताता हूँ एक है ना फसलें खराब होगी थी फसलें खराब होगी ओलावृष्टि के कारण तो जिस समय नांगल गांव के लोग उनके पास गए उन्होंने कहा कि भाई मारे गांव को गिरदावरी में मुख्य तौर पर उन्होंने कहा कि ना 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 नांगल में तो ओले पड़े को नहीं। नांगल ने किस बात की ना भाई क्यों पड़ रहे हैं ओले ना नांगल मेरे वोट को निंदा ना वोट क्यों कौन दिए भाई सबसे पहले तेरे को वोट दिए थे कि नहीं दिए थे बोला पहले तो दिए थे ये भी को नहीं दिए बताओ मतलब आप एक बात देखो जब प्राकृतिक आपदा जब आती है तो वो पूरे क्षेत्र के अंदर आती है। ओलावृष्टि हुई पूरे क्षेत्र के अंदर हुई उन्होंने भेदभाव कर दिया इसी काम के ऊपर नहीं हर काम के अंदर वो इलाके के साथ भेदभाव करते हैं। उनके दिमाग पे मोटी चमड़ी फिर गई ठीक है ना उनको सिर्फ एक काम रहता है वो अपने प्लॉट काटते हैं कहाँ अच्छे प्लॉट कटे कहाँ उनकी जेबें भरे कहाँ वो अच्छे अच्छे प्लॉटों के अंदर फित्ते मारे उन जहां वो प्लॉटिंग करते हैं वहां तो बड़े काम हो जाते हैं वहां सीवरेज की लाइनें बोच ली जाती हैं वहां बिजली की लाइनें बोच ली जाती हैं वहां पीने का पानी की लाइनें बोच ली जाती हैं वहां सड़कें पक्की बहुत हो जाती हैं अपने प्लॉटों के अंदर क्यों क्योंकि उनके प्लॉट महंगे से महंगे दामों के अंदर बिके। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जनता हिसाब लेगी जो उन्होंने 10 साल और 15 साल 5 साल उनके वो जो उनके ऊपर विश्वास ज्यादातर 10 साल ये सरकार की ये राक्षस रूपी जो निद्रा के अंदर वो सोए हुए हैं कांग्रेस की सरकार आएगी उनको एक एक हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा को जवाब देना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन है ये इनके प्रत्येक जनता के हृदय के अंदर देवता विराजमान है इनके हृदय देव रूपी है उन्होंने इनके साथ विधायक ने इनके साथ बड़ा धोखा किया है उस धोखे का जवाब जनता देगी और परमात्मा तो कांग्रेस बनते ही घनश्याम दास से हिसाब लिया जाएगा। हाँ जी नहीं मैं कौन हिसाब लेने वाला हूँ भाई जनता हिसाब लेगी जनता हिसाब लेगी। और सुनो लोकतंत्र के अंदर कोई भी लड़ाई बुलेट से नहीं जीती जाती बैलेट से जीती जाती अभी वो हिसाब जो है ना वो वोट करके उनको मिल वो टाइम आ गया मरवाओगे बीड़ी कर अच्छा बोला 10 साल हो गया हमने बीड़ी मारा सो है वो किसा काम नहीं करता भाई अच्छे कर भाई तू बोलते हां काम की कर ला बीड़ी तो थम बीड़ी पियाओ तब काम मांगो को लागले बे काम ना मैं गए थे वोट हां मारो मुआव जाओ था मुआव सा कटवाया मारे तो मारे काम में तो नुकसान करया थम बीड़ी पिया दे काम को कर काम की पंचायत गई जब बैठ की पीण लग गया अच्छा तो नो जा बोला थारे तो बोला बोठे को नहीं आए बोला मेरा वार्ड में ज्यादा आए है अच्छा अच्छा तो उसना के गांव का कोट कोनपुरा अमरावती तीनों गांव मान इन मिल गया मान ढूंढ मिल गया बीच में मारा काम छोड़ दिया मारा उसना लेंटर की छत गिरवा रखी थी अच्छा लेंटर की हां खेता पे अच्छा तो जहाँ तो ओले को नहीं पड़े। अब ये विचार है और ये बातें हैं क्योंकि लोगों ने मन बना लिया कि अब तो एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा चाहे वो सरकार बदल के लिया जाए चाहे किसी प्रकार से लिया जाए लेकिन हिसाब लोग लेने के लिए तैयार खड़े हैं। ये बात है बस देव फर्क जी सर क्या हाल है जी दोनों साहब बताओ क्या बात है घनश्याम जी का जिक्र हो रहा था शायद है ना हाँ। 15 साल में ले लिया हमारे गांव में कोई भी पत्थर लाग रहा हो तो पूछ लो ये सारा गांव बैठे अगर कोई एक भी योजना कदे भी आके नू कही हो के भाई इस गांव में कोई मारे ही बाबा बैठे इन तबड़ की कुछ खोया कदे इस बाबा भंडारम 100 रुपए गल रहे हो तो पूछ लो भाई कदे हमने तो कदे देखा नहीं कदे कोई गांव का आदमी गया हो किसी का मान सम्मान करा हो या कुछ और करा हो एक दो तो जी सब के खास पाया भंडारम नु कहया घनश्याम दास साहब जी तो इतना नेक दिल आदमी है लो सारा सौदा लुटा दे है। हाँ यू मेरे ख्याल में मार्बल उससे लगवाया होगा गांव वाले हुए बैठे हैं गांव वाले ऐसे बैठे भाई साहब हम किसी पार्टी विशेष का विरोध नहीं करते लेकिन विशेष रूप से विरोध करा हम घनश्याम दास शराब का
इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने 15 साल एक ऐसा एमएलए बना दिया जिसने विधानसभा में खड़ा होगी नू भी नहीं बताई होगी कदे। हम सोशल मीडिया आप भी देखते होगे, आप तो चलाओ हो कदे, आज तक एक रील देखी घनश्याम सर आपकी विधानसभा में कहता मैं बयानी था एमएलए, सुनिए कदे सुनिए को ना सुनी, क्योंकि उस पूरे सत्र पे कभी नहीं पूछा। भिवानी की जो पैसे आते हैं ना वो वापिस जाते हैं। अच्छा हाँ, एमपी कोटा के पैसे वापिस गए हैं, पीछे पढ़े लिखे बैठे होंगे उन बालका ने बेरा होगा वापिस भेज दिए। विधानसभा के नु लकड़े लगाऊं जगह है कोन्या रजगह कौन तो भाई है पड़ा जोड़ खाली इसमें लगवा दे गलवा बिछवा दे के मार्बल मुरबल कोई काम नहीं हो रहा तक। देखो भिवानी को ना नहीं भाई, रही बात भाई यह बात और सुनिए भाई, रही बात धीरज की भाई, 2016-17 में धीरज भाई ने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था, 2012 में धीरज ने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था, इस गांव ने सबसे ज्यादा धीरज का सहयोग कराया था, नहीं कराया होते वो धीरज भाई बैठा ठीक है। फिर दादरी चुनाव हुआ था भाई साहब एक, उसमें भी आपका पूर्ण सहयोग कराया। राष्ट्रीय लेवल पर जब ये गए जब पूरा नांगल गांव इनका साथ था ठीक है, सारे युवा बच्चे आज जो आड़े बैठे ना तकरीबन सब, इसका तो हमने खूब साथ दिया है और ये भी इसलिए दिया कि हम एक इस गांव की एक तासीर है, ये बिना बनाई किसी ने कुछ ना कह करें, एक भाई ने बनावांगे बनाया पाछे इसका बेरा पड़ जाएगा भाई, या दार देने वाली भैंस सके कूदन वाली है ठीक है, बेरा पड़ जाएगा भाई तो दार काट लो अपने बेरा पड़ जाएगा बिल्कुल। देखो अब तक तो भिवानी को प्रॉपर्टी डीलर मिला हुआ था, एमएलए तो अब की बार मिलेगा। चलो ये नांगल गांव के लोगों के विचार है, आप ये बासिंदा की बता दो बात है ला दो बैठे बताओ बंदे भाई मैं अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी है, चश्मा ला रहा है जेबीटी मास्टर होने वाला अनपढ़ आदमी है। चलो जी ये विचार है नांगड़ा गांव के लोगों के, जे एन सी न्यूज से अजय नायक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।